हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो सॉरी गाइस। आज मैं जा रहा हूँ नलबारी टाउन में डिम्पू भाई के शॉप में हेलमेट खरीदने के लिए। तो डिम्पू भाई के साथ मीट करने के लिए ट्राई करूँगा। आप लोग देखते रहिए पूरा वीडियो। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज का राइड शुरू हो गया, तो हम 4 लोग जा रहे हैं। 2 बाइक है, साइफुल भाई, जोरुल भाई, मैं और जहांगीर। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का राइड होगा बिल्कुल गाँव वाले रास्ते से। ये जो रूट देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल गांव का रोड है। गाइस, अभी हम नौगांव पार कर चुके हैं। नौगांव टू सर्थेबारी जो रोड है, वही रोड पे है हम, क्योंकि हाईवे से जाने में 10 किलोमीटर अप डाउन होता है, तो इस वाले रोड से हम जाएंगे। देखो गाइस, इस गाँव का हालत बहुत ही बुरा है, क्योंकि बहुत ही फ्लैट होकर रखा है। गाइस, मैं एक बात बोल रहा था कि 10 किलोमीटर अप डाउन हो जाता है, कि मेरे घर से नलबारी 55 किलोमीटर है और हाईवे से जाने में 66 किलोमीटर हो जाता है। तो देखो गाइस, 10 किलोमीटर अप डाउन होता है, इसीलिए हम इसी वाले रूट से जा रहे हैं। गाइस, अभी हम आ चुके हैं सर्थेबारी टाउन में। यही है सर्थेबारी टाउन, तो देखिए। और 25 किलोमीटर बाकी है नलबारी जाने में, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ नलबारी टाउन में। यही है नलबारी टाउन, और ज़्यादा दूर नहीं है डिम्पू भाई की दुकान। तो आ ही चुका हूँ, 1 मिनट लग जाएगा। और गाइस, डिम्पू भाई की दुकान तो अभी बंद है। गाइस, डिम्पू भाई की दुकान बंद है, क्यों ना हम नलबारी टाउन थोड़ा घूम के आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नलबारी के ट्रेन स्टेशन पे। ये नलबारी ट्रेन स्टेशन, जोरुल भाई पहले से बैठा हुआ है। अरे हम 2 लोग एक साथ आए हैं। यही नलबारी ट्रेन स्टेशन। गाइस, स्टेशन पे ऐसा कुछ काम नहीं है, डिम्पू भाई की दुकान बंद है, तो टाइम पास करने के लिए आया हूँ। थोड़ा देर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं नलबारी टाउन में। डिम्पू दा की दुकान सामने है, तो अभी डिम्पू दा के दुकान पर जाऊँगा, तो देखते हैं क्या होता है।
ये है होटल प्रेमोदा, ये डिम्बोदा की दुकान। सो हेलो गाइस, देखिए फाइनली आ चुका हूँ डिम्बो भाई के दुकान में। डिम्बो भाई अभी दुकान में नहीं है, डिम्बो भाई गुवाहाटी में गए किसी काम पे, तो डिम्बो भाई शायद आज नहीं आने वाले हैं। तो यही है डिम्बो भाई का दुकान, बहुत ही अच्छा है, हेलमेट ही हेलमेट है गाइस। गाइस फाइनली मीट कर सका हूँ मिनमय भाई से। तो डिम्बो भाई घर में नहीं है, तो मिनमय भाई कुछ बता दीजिए। ये भाई हमारे दुकान पे है, बहुत अच्छा लगा हमको। आप लोग कहाँ से है? बरपेटा से। बरपेटा से हाँ। इतनी दूर से आए इतनी गर्मी में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा स्वतंत्र शॉप है हेलमेट का, तो हम लोगों का मतलब है, मतलब हेलमेट पहनी है, आप कहीं से भी खरीदे वो दूसरी वजह हेलमेट पहनी है सब लोग। ठीक, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू मिनमय भाई, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए चैनल को और वीडियो देखते रहिए। मिनमय भाई भाई आते रहना, अच्छा लगा, अच्छा लगा मिलके, बहुत ठीक है। गाइस आज मैं डिम्बोदा से मीट करने के लिए बहुत ही ट्राई किया, लेकिन मीट कर नहीं पाया क्योंकि डिम्बोदा कुछ काम से गुवाहाटी गया है, तो मीट नहीं हुआ डिम्बोदा के साथ। तो अगले बार ट्राई करूँगा डिम्बोदा के साथ मीट करने के लिए। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।